नमस्कार, आप देख रहे मध्य प्रदेश न्यूज। आपके साथ मैं हूं कुणाल गोस्वामी। एमपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के सांसद प्रतिनिधि डॉक्टर केपी यादव ने मुंगावली विधानसभा उपचुनाव में टिकट न मिलने से नाराज होकर कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। आज प्रदेश भाजपा मुख्यालय पहुंचकर उन्होंने प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री रामपाल सिंह के साथ प्रेस वार्ता कर ये जानकारी दी। रामपाल सिंह ने कहा कि जल्द ही डॉक्टर केपी यादव बीजेपी की मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे और बीजेपी में अन्य कांग्रेसियों का स्वागत है और उन्हें सम्मान और पद भी मिलेगा। मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी की कल्याणकारी योजना, देश में माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की योजना से प्रभावित होकर डॉक्टर यादव जी जो कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में घोषित हो चुके थे, कार्य प्रारंभ कर दिया था। लेकिन इसके बाद उनके मन में विचार आया कि हम क्षेत्र का विकास, दिल्ली में भी माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी, हम क्षेत्र का विकास चाहते हैं, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी को रिकॉर्ड मतों से जिताएंगे। आज उन्होंने यहाँ आके ये ऐलान किया है और ऐसे अनेक कार्यकर्ता पार्टी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलेगी।